आवाज आ रही है? Yes, I'm audible. Yes, okay. चलो ठीक है, रिवाइज कर लेते हमने तो वैसे. यूनिट अनदर वे टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी सिस्टम ऑफ यूनिट. हाँ वेक्टर को और बस बस दो ही देख रहे थे राइट. अच्छा अनदर वे टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी वो तो हो गया. उसके बाद हमने यूनिट्स के बारे में देखे थे, यूनिट का डेफिनेशन देखा था और सिस्टम ऑफ यूनिट देखे थे अलग अलग तरह के. तो कितने सिस्टम ऑफ यूनिट टोटल? हाँ तो हम को देखो कितने सारे यूनिट्स थे हमारे पास, MKS, CGS, FPS, उसके बावजूद हमको ऐसे यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी? इतने सारे हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम थे. ऐसा यूनिट बोलो बोलो. ऐसा यूनिट यूजेस द डेसिमल सिस्टम सो दैट द कन्वर्शन बिकम इजी. अरे मतलब क्या है CGS MKS को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में हमको कन्वर्शन करना पड़ रहा था बार 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 बार. तो उतना करने से अच्छा हमने ऐसा सिस्टम ही इस्तेमाल करना, सबके लिए एक कांस्टेंट सिस्टम यूज करो और वो पूरा पूरा वर्ल्ड वो सिस्टम यूज करने लग गया. ठीक है ऐसा सिस्टम. तो हम लोग आज ऐसे सिस्टम के बारे में बात करेंगे. ऐसे सिस्टम में क्या क्या यूनिट्स है, कैसे कैसे यूनिट्स है, वो बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स लिखा किस तरह से जाता है ना, कन्वेंशन क्या है, यूनिट लिखने का तरीका क्या है. हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज के दिन का, हाउ टू राइट द यूनिट्स या फिर कन्वेंशंस टू राइट द असाइनमेंट्स. हेडिंग है कन्वेंशंस टू राइट द एसआई यूनिट्स. देखो एसआई यूनिट्स हमने इतने सारे देखे हैं तो एसआई यूनिट को लिखने का कुछ ना कुछ तरीका तो होगा ना, तो वही है कन्वेंशंस. फॉर एग्जाम्पल या फिर देखो फर्स्ट उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना के रखे हैं, हम लोग वन बाय वन रूल्स पर डिस्कस करने वाले हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पहला रूल क्या बोलता है, ऑलवेज ऑलवेज राइट द सिंबल ऑफ यूनिट. ठीक है अगर मुझको यूनिट लिखना है तो हमेशा यूनिट का सिंबल लिखना. फॉर एग्जांपल अगर मुझको मीटर लिखना है तो उसका सिंबल लिखेंगे एम, है ना, उसका सिंबल लिखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मुझे मास लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ ग्राम या फिर केजी, है ना, या फिर केजी लिखेंगे हम लोग, है ना. तो इस तरह से यूनिट्स लिखना है. ठीक है हमेशा कभी भी हमको यूनिट्स लिखना होगा तो उसके हमको सिंबल्स लिखना पड़ेगा. अगर हम लोग चाहते हैं किसी सेंटेंस में कि हम लोग फुल फॉर्म यूज करें, अगर हम लोग चाहते हैं कि यूनिट का हम लोग फुल फॉर्म यूज करें या फिर फुल नेम यूज करें, तो फुल नेम लिखने का भी तरीका है ना. जनरली तो सिंबल यूज करना है पर सेंटेंस में हमको फुल नेम अगर यूज करना है, इसका फुल नेम, जैसे इसका फुल नेम क्या है मीटर, इसका फुल नेम क्या होगा बताओ, किलोग्राम. ठीक है इसका फुल नेम क्या होगा बताओ फिर, सेकेंड. ठीक है सेकेंड, तो वो लिखने का भी तरीका है. ठीक है उसी तरह से हमको लिखना है. जैसे ये तो सिंबल हो गया, तो फुल नेम ऑफ यूनिट, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑफ मस्ट बी इन स्मॉल लेटर्स. ठीक है मस्ट बी इन स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर में होना चाहिए. जनरली हम लोग जब इंग्लिश लिखते हैं ना तो इंग्लिश लिखते हुए किसी का अगर नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम लिखना है तो मैं पहला लेटर कैपिटल बनाता हूँ और फिर मेरा खुद का नाम लिखता हूँ, है ना, है ना. ये भी नहीं करना, अगर पर्सन का यूनिट अगर पर्सन का नाम होगा तो भी हमको स्मॉल लेटर ही लिखे, तो हम वो भी मेंशन कर देते. इफ यूनिट इज पर्सन नेम देन ऑल्सो राइट small, write it in small letters. ठीक है जैसे अगर मुझको ये लिखना है ना तो मैं लिखूंगा M E P E R, समझो अगर मुझको ये लिखना है तो लिखूंगा
KILOGRAM किलोग्राम, सब स्मॉल लेटर, ठीक है। अगर समझो मुझको न्यूटन, न्यूटन लिखना है, अगर मुझको न्यूटन लिखना है तो न्यूटन, न्यूटन क्या होता है जैसे एन, राइट, एन, अब एन देखो, एन, एन लिखना है न्यूटन, ऐसे कट होता है NEWTON, हम लोग एक पर्सन का नाम है न्यूटन, राइट, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको, इसको भी हम लोग स्मॉल लिखेंगे, NEWTON, न्यूटन, ठीक है, समझ में आया। अच्छा सिंबॉल में लिखना है, सिंबॉल, सिंबॉल और सिंबॉल भी स्मॉल लेटर ही होंगे, सिंबॉल भी स्मॉल लेटर ही होंगे। यहां पर एक फर्क है, यहां पर एक फर्क है, कैपिटल लेटर व्हेन साइंटिस्ट का नाम होगा तब, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसा न्यूटन है ना, न्यूटन के लिए सिंबल कैपिटल एन, हाँ, अगर उसका नाम लिखना होगा मुझको फुल नेम, तो स्मॉल एन से लिखा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट बनाओ और हम आगे बात करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। अब हम लोग बात कैसे लिखेंगे, अगर यूनिट्स लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखना है, अगर साइंटिस्ट का नाम होगा तो कैपिटल लेटर में सिंबल लिख सकते हैं, बट अगर फुल नेम लिखना होगा तो सारा स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। ओके, वन टू, थर्ड, थर्ड, डू नॉट यूज, थर्ड, डू नॉट यूज फुल स्टॉप, फुल स्टॉप यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीटर लिखता हूं तो उसको खाली रखना, इसके बाद ऐसा फुल स्टॉप नहीं लगाना, ठीक है, ऐसे फुल स्टॉप नहीं लगाना, सिर्फ नॉर्मल मीटर लिखना है तो मीटर ही लिखेगा, ठीक है। सिमिलरली डू नॉट यूज प्लूरल्स, प्लूरल्स मतलब एक से ज्यादा होते हैं तो हम लोग प्लूरल्स लगाते हैं, प्लूरल्स जब लगाते हैं तो फाइनल में एस लिखते हैं, लास्ट में एस, ठीक है, तो वो भी नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे चार मीटर है तो फोर मीटर्स नहीं बोलेंगे, एस नहीं लगाएंगे, है ना, सिर्फ नॉर्मल मीटर, ठीक है, ये एक चीज है। नेक्स्ट 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 क्या है, नेक्स्ट हाँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हाँ हाँ, ऑलवेज ऑलवेज राइट इन ए सिंगल रेशियो, हमेशा सिंगल रेशियो में ही लिखना है, बताऊंगा इसका। देखो सिंगल रेशियो का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर y है तो ये a by b ही लिखेंगे, y है तो a by b ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, मोटा मोटा ऊपर से अगर बोले, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम है तो उसका यूनिट क्या हो गया, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, है ना। देखो एक सिंगल यूनिट, सिंगल रेशियो नहीं है ये, मीटर पर सेकेंड इस तरह का रेशियो है, तो इसको भी हमको सिंगल रेशियो बनाना है। ये सिंगल रेशियो कैसा हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हर यूनिट को हमको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, ओके, इस तरह से। चलो इसका स्क्रीनशॉट बनाओ और कुछ बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, आई होप आपने बना लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, और क्या है, और क्या है कि अभी समझो कुछ कुछ अभी हम, मैंने क्या बताया आपको, अगर मुझको फुल नेम लिखना है, फुल नेम लिखना है, ये कौन सा नंबर था पता नहीं, कौन सा आप नंबर डालना सीक्वेंस, अगर मुझको फुल नेम लिखना है, फुल नेम लिख, कौन सा नंबर था ये, थर्ड, थर्ड, कौन सा था वो, सिक्स होगा, चल जान दो। फुल नेम अगर लिखना है ना, हम लोग कैसे लिखते हैं समझो, अगर मुझको लिखना है न्यूटन, NEWTON, ठीक है, फुल नेम, सिंबल लिखना है कैसे लिखेंगे, कैपिटल एन ऐसे लिखेंगे, ये हो गया फुल नेम, ये हो गया सिंबल, तो दोनों का कॉम्बिनेशन वी कैन नॉट यूज, कॉम्बिनेशन ऑफ फुल नेम एंड सिंबल नॉट अलाउड। जैसे समझो अगर मेरे मन में आया मुझको लिखना है समझो वेलोसिटी, वेलोसिटी का मुझको पता होता है फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, ये मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला है,
मेरी इच्छा हो गई मैं इसको लेना लिखना डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, ठीक है, तो मेरी इच्छा हो गई मैं इसको मीटर लिखूंगा, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, मेरी इच्छा हो गई मैं इसको एस लिखूंगा, मीटर पर एस, ऐसा लिखना अलाउड नहीं है, ये नहीं लिख सकते, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं, तो आप ऐसे भी मत करना, ये गलती तो बिल्कुल मत करना, मार्क्स पड़ जाएंगे आपके फोकट के, ठीक है, ऐसे भी मत करना। और देखो ये हो गया, वी कैन यूज प्रीफिक्स, हम लोग प्रीफिक्स यूज कर सकते, वी कैन यूज प्रीफिक्स बिफोर यूनिट, प्रीफिक्स मतलब समझो, देखो 10^-3 है ना, 10^6, 10^-2, इसको कौन सा बोलेंगे, ये होता है मिली, मिली, ये होता है मेगा, ये होता है सेंटी, है ना, ये प्रीफिक्स हो गए थे, ये प्रीफिक्स हम लोग किसी भी यूनिट के सामने लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ यूनिट लिखना चाहता हूँ 1 मीटर, इसके सामने अगर प्रीफिक्स लगाता हूँ तो मैं इसको 10^-3 मीटर ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये मिलीमीटर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मिलीमीटर ऐसे भी, हम लोग ये प्रीफिक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो, आगे की बात करते हैं, हम लोग प्रीफिक्स में ही है अभी, आपने इसका स्क्रीनशॉट, अरे बारिश आ रही है कह रहे, चलो हमने ये बना लिया। अब प्रीफिक्स, अब देखो क्या होता है, गलती क्या, कहां हम लोग गलती करते हैं, यहां ध्यान से देखो, मैं इसको मिटाता हूं, क्या होता है, ऑलवेज यूज, यहां पे लिखना है ऑलवेज यूज यूनिक प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी उसका वैल्यू है 10^-3 into 10^-3 मीटर, है ना, 10^-3 into 10^-3 मीटर, यहाँ पर लिखने वाला किस तरह से लिख सकता है, अरे 10^-3 मुझे मिली लिखा ठीक है, अरे 10^-3 मुझे मिली लिखा मिली, और ये हो गया मीटर। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मिली मिलीमीटर, है ना, मिली मिलीमीटर, तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन यूज करना गलत है, हमको पता है ना, इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको आंसर सॉल्व, इसको सॉल्व करने के बाद हमको लिखा है 10^-6 मीटर, मतलब 10^-6 एक यूनिक क्वांटिटी है ना, माइक्रो, तो हम इसको माइक्रोमीटर पढ़ेंगे, मिली मिलीमीटर नहीं, ठीक है, ऑलवेज यूज अ यूनिक प्रीफिक्स, ओके, चलो कॉपी मारो। आई होप मैंने सारे कवर कर लिए है, इसके आगे तो और कुछ है नहीं मेरे पास, ठीक है, ये पॉइंट के बाद इसको कैरी करने का, ओके ओके, हाँ हाँ, और एक चीज रह गई, सुनो, ये लिख लिया आपने, चलो हाइफन, हाइफन, अब देखो क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है कोई यूनिट, देखो किस तरह से लिखेंगे हम लोग, समझो अब मुझे वेलोसिटी का, यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ यूज स्पेस और हाइफन, यूज स्पेस और हाइफन, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक क्वांटिटी है वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलते बार बार, मैं डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए तो डिस्टेंस कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया मेरी वेलोसिटी। इसका अगर मैं यूनिट लिखना चाहता हूँ, आई कैन राइट मीटर्स पर सेकेंड, है ना, मीटर्स पर सेकेंड, समझो ऐसा मैंने कुछ यूनिट लिखा, बताओ या फिर मीटर पर सेकेंड, चलो ऐसा यूनिट लिख देना, ठीक है, इसको ना, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मीटर लिखा, मीटर, उसके बाद थोड़ा स्पेस दिया, यहाँ मैं समझाने के लिए एक छोटी सी लाइन दिया, स्पेस देने के बाद सेकेंड के ऊपर इन्वर्स लगा, ठीक है, मीटर दिया, थोड़ा स्पेस देंगे, उसके बाद एक इन्वर्स लगाएंगे, या फिर इसको लिखने का और एक तरीका है, मीटर लिखेंगे हाइफन, ये जो लाइन होती है ना इसको बोलते हैं हाइफन देंगे, और इस तरह से, ठीक है, चलो जरा इसको मुझे लिख कर बताओ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूँ मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, चलो मुझे लिख कर बताओ कैसे लिखेंगे अभी, इसको बताओ इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में हाइफन वाले, सबसे पहले लिखेंगे मीटर, हाइफन एस टू द पावर माइनस टू, हाइफन मीटर हाइफन, राइट, जो डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा एस टू द पावर ऑफ माइनस टू, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, और एक क्या तरीका है, मीटर
स्पेस एस टू द पावर ऑफ माइनस। ओके छापो, इतने कन्वेंशन है, अगर इतने आपने समझ लिए तो आप कोई भी यूनिट खुद के दिल से अच्छे से पैर से लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली कि एसआई यूनिट्स के कन्वेंशन कैसे है, किस तरह से एसआई यूनिट्स को हमको लिखना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट्स, टाइप ऑफ एसआई यूनिट्स। ठीक है चलो मैं इसको मिटाऊ। ओके मिटाता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी कौन से टाइप में डिवाइडेड है पहले ये बताओ। फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कौन से फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, अब फंडामेंटल क्वांटिटी के भी यूनिट्स रहेंगे उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट्स रहेंगे उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। एसआई सिस्टम में उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना उनकी कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स बता के रखे, तुम लोग ये यूनिट्स यूज करो पूरे वर्ल्ड में। डिराइव यूनिट के भी उन्होंने एसआई वालों ने बता के रखा कि तुम लोग यही यूनिट्स यूज करना। साथ ही साथ दो और क्वांटिटी है जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं, वो क्वांटिटी की भी उन्होंने यूनिट्स बताया। तो टोटल एसआई वालों ने हमको किस चीज कौन से यूनिट बताया, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तीन चीजें हैं। इतने यूनिट्स अगर हमको पता चल गए तो हम दुनिया में किसी भी चीज का यूनिट लिख सकते हैं। तो वन बाय वन बात करते हैं एसआई यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैं एसआई यूनिट्स की बात करूं तो एसआई यूनिट में हमको क्या क्या दिया, फंडामेंटल यूनिट्स जो कि 7 है, फंडामेंटल यूनिट जो कि 7 है, डिराइव्ड यूनिट्स जो कि इनफाइनाइट है बहुत सारे है, ये इन्फिनिटी का साइन है देखो, ये जो है ना ये इन्फिनिटी का साइन होता है, इसको नहीं पता वो देख लो। ठीक है लास्ट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो कि 2, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है वन बाय वन बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है फंडामेंटल यूनिट्स के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है फिर फंडामेंटल क्वांटिटी के हम लोग लिखेंगे एसआई यूनिट। यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है और ऐसा यूनिट क्या होता है या फिर ऐसा यूनिट, एक काम करेंगे इसको लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग नेम लिखेंगे और ऐसा यूनिट बताएंगे। ठीक है इस तरह से चलो जल्दी जल्दी बताओ, सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे ना, बारी बारी बताओ। मास, 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 टाइम, टाइम, लेंथ, लेंथ, टाइम, Time. Temperature, चलो बारी बारी से बात करेंगे इसके यूनिट के नेम क्या है। देखो अब देखो क्या हो गया, मास है ना, मास के अलग अलग यूनिट है हमको, ग्राम है, किलोग्राम है, राइट। तो लेकिन एसआई वालों ने क्या बोला, जो मास है ना, मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम, इनके लिए हमको मास, लेंथ और टाइम, इनके लिए हमको एमकेएस वाले की जो यूनिट हम लोग फॉलो करते थे ना वही यूज करते। एमकेएस में क्या क्या फॉलो करते थे, मास, लेंथ और टाइम की जगह बताओ, मास को एमकेएस में क्या लिखते थे, किलोग्राम, केजी, किलो, किलोग्राम। ओके लेंथ के लिए एमकेएस में क्या लिखते थे, मीटर, मीटर, हाँ अजून याले, सेकंड। टेम्परेचर को, अच्छा ठीक है चलो ये तो हो गया, ऐसा वालों ने बताया। टेम्परेचर जनरली कौन से टर्म्स में मेजर किया जाता है, देखो टेम्परेचर मेजर किया जाता है डिग्री में और पता है और कौन से इसमें टेम्परेचर मेजर किया जाता है बताओ जरा, केल्विन, फारेनहाइट, हां सेल्सियस, सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, रिमर्स, है ना, ऐसे अलग अलग इसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है।
उसमें से एसआई वालों ने चूज किया केल्विन। क्या आपको केल्विन, क्या आपको पता है केल्विन, केल्विन के बारे में पता है आपने? इसके पहले इसके स्टैंडर्ड में केल्विन यूज किया है? ये सर नो नो। तो हम लोग केल्विन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। वेरी गुड, यस केल्विन। करंट, करंट के लिए हम लोग यूनिट यूज करेंगे वो है एम्पियर। ठीक है, ये साइंटिस्ट है एम्पियर, उनके नाम से आया एम्पियर। ये भी एक साइंटिस्ट थे केल्विन, उनके नाम से आया लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन इनका नाम भूल गया मैं, एम्पियर सर ने काम किया। हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग एक यूज करेंगे यूनिट, उसका नाम है कैंडेला। कैंडेला। चलो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। मोल क्या होता है? मोल रे, मोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हाट इज मोल? चलो बाद में बात करेंगे। हाँ, तो इसका यूनिट किस तरह से, अब सिंबल देखो, यूनिट का सिंबल कैसे रहेंगे? किलोग्राम का यूनिट का सिंबल रहेगा आपकी मतलब लिख रहा हूँ, लिखना होगा सबर रखते लिए यार। ठीक है दोस्तों, अच्छा शुक्रिया आप बताने में। के मतलब किलो लिखने वाला था, राइट? चलो यहाँ पे क्या लिखूं बताओ? मीटर एम। हाँ मीटर एम। यहाँ पर एस याला सांग के, कैपिटल के। ठीक है सर। सेकंड का स्मॉल आएगा ना? हाँ तो वो स्मॉल ही है ना रे, इतना बड़ा लिखा। अच्छा ठीक है मेरी माँ, ठीक है ओके हो गया, ये समझे। चलो बारी बारी से बात करते हैं। आपको किलोग्राम क्या होता है पता है? मीटर क्या होता है पता है? सेकंड क्या होता है पता है? केल्विन क्या होता है बताओ जल्दी से। व्हाट इज केल्विन? लॉर्ड केल्विन ने हमको बताया एक कॉन्सेप्ट। अच्छा आपको पता है, आपको पता है वन केल्विन मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन होता है? 273 केल्विन है ना, 270 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन है ना, टू बी प्रिसाइज। ठीक है टू बी प्रिसाइज। तो ये कहां से आया, ये कहां से आया? तो देखो देखो क्या होता है हमको, देखो जीरो डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर कैसे लिया पहले सब, जीरो डिग्री सेल्सियस हमने बेस माना। जीरो जीरो मतलब शुरुआत जहां से होती है उसको जीरो, आर्यभट्टा ने बताया कि शुरुआत जहां से करते उसको जीरो बोलो, हमने बोला शुरुआत जहां से करें उसको जीरो। हमने टेम्परेचर की मेजरमेंट की शुरुआत की वाटर से, वाटर को फ्रीज कितने टेम्परेचर पे होता है तो उसको बोला हमने जीरो। उसके ऊपर से जितना भी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो उसको हम लोग 1, 2, 3 गिनते जाते हैं। ठीक है जीरो डिग्री सेल्सियस मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस वाले ने कहा। ठीक है तो उसने कंसिडर किया कि लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए जीरो डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और उसके नीचे जाएंगे तो माइनस में रहेगा, राइट? ऐसे उन्होंने सेल्सियस वालों ने कंसिडर किया। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो क्या हमारा टेम्परेचर, क्या हमारा टेम्परेचर, क्या हमारा टेम्परेचर, क्या हमारा टेम्परेचर जीरो से नीचे बहुत बार जाता है, राइट? मतलब जीरो से नीचे कितना जाता होगा? अगर मैं आपको पूछूं मिनिमम टेम्परेचर आदमी कितना अचीव कर सकता है, या फिर यूनिवर्स, या फिर ऐसा टेम्परेचर जो मिनिमम हो, सबसे कम हो, तो आप गेस करके बताओ कि मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है? माइनस में होगा कुछ ना कुछ, -4, -3, -5 है ना, कि ह्यूमन मिनिमम टेम्परेचर कितना अचीव कर सकता है बताओ जरा, गेस करो। तुक्का मारना है, नंबर बोलना। मैं क्या बोल रहा हूँ? -10 इतना अचीव कर सकता है ह्यूमन? अच्छा मैं आपको बोलूँ देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ह्यूमन से कम टेम्परेचर कितना हो सकता है, अगर मैं गेस करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैंने गेस किया कि अगर लिक्विड को फ्रीज कर दिया ना, मैंने फ्लूइड को, लिक्विड को मैंने फ्रीज कर दिया जीरो डिग्री सेल्सियस पे, अब हमारे आजू बाजू एयर है, गैस है, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैस भी फ्रीज हो जाए, अब गेस करो मुझको गैस को अगर फ्रीज करना है तो मुझको कितना टेम्परेचर अचीव करना पड़ेगा माइनस में, बस ऐसा इमेजिनेशन यूज करके गेस करो। -70 डिग्री। हाँ किसी ने -70 डिग्री सोच के बताया, और
मुझको ये जो हवा बह रही है ना उसको भी फ्रीज कर देना है, इतना टेम्परेचर लोअर लो पे ले जाना है, वेरी गुड -100 वो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर हमारा गैस, हमारी एयर भी फ्रीज हो जाती है, हमारा एयर की मॉलिक्यूल मोशन करना रोक देते हैं, अपने आप से फ्रीज हो जाते हैं, जगह पर रुक जाते हैं। तो ये टेम्परेचर, ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम अचीवेबल टेम्परेचर। हमने इतना अचीव, इससे नीचे जाना बोले तो यार एयर ही रुक जाएंगे, तो काम करेगा ही कहां, ठीक है। तो ये हमने मिनिमम माना, तो इस चीज को मैं बोलता हूँ जीरो। अब इसको मैंने मेरा रेफरेंस माना जीरो, अब केल्विन अंकल ने बताया हमको, इसको मैं बोलूंगा जीरो केल्विन। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अब हम लोग मेजर करेंगे यहां से, हमारा बेस कहां पे सेट हो गया, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब ये मेरा जीरो हो गया। अब यहां से मैं मेजर करना चालू करूंगा, ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा, मैं आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब मैंने -273 डिग्री सेल्सियस से काउंट करते करते ऊपर आया 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर मैं मुझको टेम्परेचर कितना मिलेगा यहाँ पे, प्लस ये 0 केल्विन है ना, 0 केल्विन है ना, 0 केल्विन। इसको 0 केल्विन को ऊपर लेके आऊंगा तो मेरा 0 केल्विन हो जाएगा, 0 केल्विन टू मेरा आंसर मिलेगा 173.15 केल्विन, राइट। ये ठीक है, तो हमारे फिजिक्स के जो थर्मल वाले प्रॉब्लम होते हैं, जो भी थर्मोडायनेमिक्स की हम लोग बात करेंगे, है ना, हम लोग इंजिन के बारे में बात करेंगे, जब भी बात करेंगे तो हम लोग टेम्परेचर केल्विन में काउंट करेंगे, ठीक है, केल्विन में काउंट करेंगे। अगर हम उसको तो इसी तरह से 0 केल्विन मतलब 273 है ना, तो 5 केल्विन कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 5 + 273। मुझको डिग्री का केल्विन में करना रहेगा तो मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको केल्विन के बारे में समझ में आ चुका होगा, और इसको साइंटिस्ट केल्विन, लॉर्ड केल्विन ने बताया, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में हमने यूनिट का नाम दिया केल्विन, कैपिटल, ठीक है, इस तरह से। आई होप आपको समझ में आया होगा। एम्पियर करंट है ना, करंट के बारे में एम्पियर। कैंडेला, कैंडेला ये वर्ड कहां से आया होगा बताओ जरा, गेस करो। कैंडल से ल्यूमिनस मतलब जलाना, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस की इंटेंसिटी कितनी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडल लगाओ तो ब्राइटनेस होती है ना, तो ये वर्ड आया कैंडल, कैंडेला, ठीक है, ओके। मोल, मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल, इट इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ बताओ, और कुछ नॉलेज है आपको मोल के बारे में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल के बारे में नॉलेज है क्या कुछ? 1 ग्राम ऑफ इट्स वैल्यू इज 6.02 × 10⁻². वेरी गुड, वेरी गुड। आज हम लोग मोल का मतलब समझेंगे कि उसकी वैल्यू इतनी क्यों, ठीक है। चलो हम लोग केल्विन, इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, केल्विन के बारे में बाद में इन्फॉर्मेशन नीचे लिखते जाना, ठीक है, अपने नोट्स में। केल्विन, लॉर्ड केल्विन ने दिया है, इनका यूनिट हमने ये दिया। मोल के बारे में बात करेंगे, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ तो ले लो यार, फिर टाइम दे रहा हूँ। ओके, आओ मोल के बारे में बात। मोल म्हणजे काय, मोल म्हणजे नेमकं काय असतं, देखो अगर मैं आपको बोलूं, मेरे पास 20 एप्पल रखे हुए हैं, मेरे पास 20 एप्पल रखे हुए हैं, तो बताओ इसमें कितना डजन एप्पल हो गए, कितने डजन, 24 एप्पल है, तो मुझको बताओ कितना डजन, हमने क्या किया इसको डिवाइड बाय 12 किया, उसका आंसर मिलता है 2 डजन। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं, मेरे पास 24 × 10³ इतने एप्पल रखे हुए, तो बताओ रे कितना डजन हो जाएगा, कितना डजन हो जाएगा, अबे तो इसको डिवाइड कर लो 12 से, 12 × 12 = 23, ठीक है, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, अगर हमको डजन निकालना होगा तो कोई भी चीज को 12 से डिवाइड कर दो हमको उतना डजन मिल जाता है, ठीक है। मतलब हमको कितना डजन मिल रहा है, 2 × 10³ एप्पल, इतना डजन मिल रहा है। लेकिन हम लोग जनरल लाइफ में इस तरह की बातें करते क्या, 2 × 10³, अंकल 2 × 10³ एप्पल दे दो, ऐसी नहीं बात करते ना, हम लोग नंबर में बात करते, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर
एक मुझको डजन की तरह एक क्वांटिटी बनानी है तो मुझको एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करना है ना, एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे यहाँ पर मैं 12 से डिवाइड कर रहा था ना, तो इतने सारे मेरे पास अगर एप्पल हो गए तो मुझको एक क्वांटिटी बनाने के लिए, मुझको जैसे एक डजन, एक 1 2 3 डजन ऐसा बनाने के लिए एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो नंबर जैसे यहाँ पे 12 था ना, और वो नंबर होता है 6.6 6.023 × 10⁻², ठीक है, वो नंबर पर ये होता है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं लिखना चाहूंगा अगर, ये मेरे को मिल जाएगा 4, ठीक है, ये मेरे को मिल जाएगा 4। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, डजन ना, डजन की जगह यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी मोल, यहाँ पे मैं लिखूंगा मोल। तो यहाँ पर अब इतने सारे एप्पल तो अभी हम कभी काउंट नहीं करते, लेकिन अगर मैं कंसिडर करूं मॉलिक्यूल्स, किसी भी सिस्टम में कितने सारे मॉलिक्यूल्स, जनरली मॉलिक्यूल्स कितने भरे हुए होते पता है, 10⁻²³ के मल्टीप्लीकेशन में भरे हुए होते हैं, कितने 10⁻²³ के मल्टीप्लीकेशन। तो मुझे अगर मॉलिक्यूल्स काउंट करना है तो मैं किसी को जाके बोलूंगा, अरे अरे वो जो रूम है ना उसके अंदर 6 point, वो रूम के अंदर समथिंग इन 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स है, ऐसे नहीं बोलूंगा। अब मैं क्या बोलूंगा, उस रूम के अंदर 4 mol इतने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 4 mols इतने मॉलिक्यूल्स। तो उस क्वांटिटी को जैसे यहाँ पे 2 dozen गिनते थे, उस क्वांटिटी को हम लोग मोल गिनते हैं। मोल ये गिनने का तरीका है एक तरह से, ठीक है। जनरली किसके लिए मेजर करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स के लिए, कई सारे मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं तो मुझे उसको उसकी क्वांटिटी बतानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कितने सारे मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, यहाँ पर समझो रखे हुए है 60 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स रखे हुए है, तो मुझको इसकी क्वांटिटी अगर किसी के सामने वाले को बतानी, मैं क्या करता हूँ, डजन के लिए 12 से डिवाइड करता था ना, ये मॉलिक्यूल्स के लिए मैं 6.023 × 10⁻², ये नंबर से डिवाइड करता हूँ, मुझको मिलता है 10, और उसको डजन की जगह यहाँ पे लिखता हूँ मोल, ये मेरा मोल कॉन्सेप्ट है ना, काउंटिंग में काम आता है, ठीक है, जनरली मॉलिक्यूल्स के काउंटिंग में काम आता है, 10 mol, गुंजन वेरी गुड, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के काउंटिंग में काम आता है। अब हमारा सवाल खड़ा होता है, वाई 6.023 × 10⁻², इतने ही मॉलिक्यूल क्यों लिए अंकल, भैया, सर, जो भी है, इतने ही मॉलिक्यूल क्यों लिए, क्यों लिए इतने मॉलिक्यूल, उसके पीछे भी रीजन है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एवोगैड्रो, एवोगैड्रो, ठीक है, एवोगैड्रो ने बताया अगर देखो आप मॉलिक्यूल देखना चाहते हो, इतना छोटा रहेगा, ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूल जमा करते हो 6.023 × 10⁻², इतने मॉलिक्यूल जमा करूँ ना, वो मॉलिक्यूल मेरे विजिबल रेंज में आने लग जाते हैं। समझो अगर मैंने एक नमक लिया, नमक सॉल्ट 1.023 × 10⁻², अगर मैंने मॉलिक्यूल्स किया तो मेरे एक विजिबल रेंज में नमक आने लगता है। अब कोई भी चीज मेरा अगर विजिबल रेंज में होगा तो उसको मेजर भी कर सकता हूँ, काउंट भी कर सकता हूँ, इसलिए एवोगैड्रो ने ये कैलकुलेशन करके 0.23 × 10⁻²³ नंबर लाया, राइट। तो उस नंबर से डिवाइड करो, हमको उतने मोल्स मिलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझी होगी, आपके लेवल पे थोड़ा ज्यादा हो गया ये चीज समझाना, एवोगैड्रो नंबर, राधिका, मतलब आप बता रहे हो कि पूछ रहे हो, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। हाँ, इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है, एवोगैड्रो, इससे डिवाइड किया हमको 4 mol, ठीक है। चलो, इस तरह से अगर आपको किसी ने पूछा कि 4 mol यहाँ कितने, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने, यहाँ पे 4 mol है, यहाँ पे 4 mol बराबर के मॉलिक्यूल है, तो आपके दिमाग में पट से क्लियर होने को ना, 4 × 6.023 × 10⁻², मतलब 24 × 10⁻², इतने सारे मॉलिक्यूल्स है ना, मोल्स अगर कोई बोलता है तो इतने सारे है ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे 2 mol कितने एप्पल रखे हुए है, तो इमेजिन करना कि 2 × 6 point ये नंबर से मल्टीप्लाई कर, 2 mol मतलब 2 × ये वाला नंबर 6.023 × 10⁻², इतने सारे मुझको एप्पल्स, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, हम इसको डेप्थ में बाद में और समझेंगे, अभी आपको नहीं समझा, आधा आधा 50% 30% भी समझाऊंगा ना, इनफ है, ठीक है। ये था मोल का कॉन्सेप्ट, हमने समझ लिया मोल, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लो, हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। टाइम कितना बचा है रे, टाइम कितना बचा है, 5 minutes है ना, ठीक है। दीज आर ऑल अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटी, अब एक ये 7 quantity के यूनिट्स आपको पता होगा ना, अब दुनिया में किसी भी क्वांटिटी का यूनिट बना सकते हो, किसी भी डिराइव क्वांटिटी का यूनिट बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डिराइव क्वांटिटी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिराइव क्वांटिटी इनफाइनाइट है, हमारे काम काम की डिराइव क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉपी अच्छा गावा चे पूरा नो सर, कुछ भी बोलो यार, मेरे को मेरा ख्याल बहुत अच्छा लगता है, भद्रावती जैसा, मैं पुणे में रह चुका हूँ, हैदराबाद में रह चुका हूँ, लेकिन भद्रावती जैसा सुकून से ही नहीं, यहाँ पे मेरा दोस्त है, फैमिली सब है, ठीक है।
हाय सेंटी कर दाला रही डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं अब डिराइव्ड हम लोग यूनिट्स के बारे में बात करेंगे ओके डिराइव्ड यूनिट्स ठीक है डिराइव्ड यूनिट्स लिखने का तरीका है डिराइव्ड यूनिट्स लिखने का एक थंब रूल है वो मैं आपको बताता हूँ थंब रूल क्या है कॉमन सेंस ही है एक्चुअली पर उसको मैं हम लोग थंब रूल बना के यूज करेंगे सबसे पहले टू राइट मैं आपको लिख देता हूँ टू राइट डिराइव्ड क्वांटिटी to write unit of any derived quantity किसी भी quantity का derived quantity का अगर हमको unit लिखने का है तो क्या करने का सबसे पहले उसका formula बनाने formula लिखून का करायचं उसको ब्रेक करने का है ना ब्रेक इट ब्रेक दैट फॉर्मूला इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी मैं एग्जांपल से बताऊंगा आपको टेंशन मत है ना फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करने लास्ट सेकेंड लास्ट उसके बाद क्या करने का राइट द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी राइट एवढं झाल्यानंतर शेवटी काय करायचं माहिती आहे का गणित करायचं गणित कसे लिखेंगे अप्लाय मॅथमॅटिक्स या फिर मेक अ सिंगल रेशो ठीक आहे मेक ए सिंगल रेशो आज जल्दी जल्दी से मैं इसका मतलब समझा दू ठीक है सबसे पहले समझो अगर डिराइव क्वांटिटी का मुझको यूनिट बनाना है ठीक है हाँ यूनिट बनाना है कैसे बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल डिराइव क्वांटिटी में लेता हूँ जस्ट एक एग्जाम्पल में लेता हूँ फोर्स है ना फोर्स क्योंकि हमको पता है बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है पहला स्टेप राइट फॉर्मूला बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ मास इंटू एक्सेलरेशन पहला स्टेप कम्प्लीट ब्रेक दैट फॉर्मूला इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी अब हमको फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करना है तो यहाँ पे देखो मास ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसको ब्रेक करने की जरूरत एक्सेलरेशन की तरफ देखो एक्सेलरेशन हम उसको ब्रेक करेंगे हां स्टेप 2 मास जैसे कि वैसे एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करना चाहे तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले वेलोसिटी अपॉन टाइम ठीक है हमको मास से मिल गया फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम में फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखिए क्या वेलोसिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है यस और नो नो वेलोसिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी यस सर यस एग्री है ना एग्री इसको भी ब्रेक करेंगे चलो ब्रेकिंग मिलेंगे फिर से मास ठीक है मास ये है मास वेलोसिटी हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट ये बन गया मैंने बोला बेटा डिस्प्लेसमेंट होगा ना मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं क्या बड़े डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ठीक है डिस्प्लेसमेंट आता जागा कमी पडली राव हे बघा आता यावरती लिहितो ऊपर लिखता हूं मैं इसको देखो यहाँ पे देखो सारे फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर बन जाएगा ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी अब इसका थर्ड स्टेप राइट द यूनिट्स इसको यूनिट्स लिख देंगे ठीक है केजी इसका यूनिट क्या होता है मीटर बार सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इट इज द यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है इसी को ही न्यूटन कहा जाता है ये